मेलोडी विजन स्टूडियोज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद राजा मेलोडी विजन स्टूडियोज लाहौर से, और आज घर पे हूं इस वक्त, और एक स्टूडेंट के क्वेश्चन का मैं आंसर करना चाहता हूं वीडियो की सूरत में, ताकि दूसरे सुनने वाले भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरे एक स्टूडेंट हैं जो कि मुझसे डिफरेंट साउंड इफ़ेक्ट्स पूछते रहते हैं कि ये साउंड इफ़ेक्ट आपके पास है, ये है, ताकि वो जहाँ जहाँ सुनते हैं, जिस नात में, जिस कलाम में वो सुनते हैं कोई साउंड इफ़ेक्ट, तो वो मुंह से आवाज़ निकाल के ना मुझे बताते हैं कि इस तरह की जो आवाज़ आ रही है ना, तो वो साउंड इफ़ेक्ट मुझे चाहिए, कहाँ से मिलेगा, आपके पास है तो मुझे सेंड कर दें। मसलन कभी वो कहते हैं ये जो आवाज़ आ रही है, शूं शी और अभी जो लेटेस्ट साउंड इफ़ेक्ट उन्होंने मुझसे पूछा है, वो उसकी साउंड उन्होंने ऐसे निकाली, वो जो चिण जण 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 कुछ ऐसे करके ना बड़े ज़बरदस्त साउंड निकालते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, बिल्कुल जो ही कलाम स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट दे विच एक चीज़ां दी मतलब आवाज़ और मनु दा नाम नहीं ना आता है, तो वो मुझे इस तरह से पूछते रहते हैं कि फलां साउंड इफेक्ट आवाज़ निकाल के। अच्छा, इसका मैं आपको बड़ा ही अच्छा हल बताऊंगा कि किस तरह से आप कोई भी साउंड इफ़ेक्ट जो आपको चाहिए होता है, या किसी भी नात, किसी भी कलाम में आप सुनते हैं, तो वो आपको कैसे मिल सकता है। उस साउंड इफ़ेक्ट का एग्जैक्ट नाम आपको पता होना चाहिए कि फलां साउंड इफ़ेक्ट है। मसलन अभी जो मैंने जिक्र किया है कि वो टन नन नन ऐसा की आवाज़ निकाल के ना, वो मुझसे कह रहे थे ये वाला साउंड इफ़ेक्ट चाहिए जो कि स्टार्ट में है, बिल्कुल स्टार्ट में है, तो उसका नाम है चाइम्स, CHIMES, चाइम्स। तो अगर आपको ये पता हो कि इस साउंड इफ़ेक्ट का नाम है चाइम्स, तो आप बहुत आसानी से ये साउंड इफ़ेक्ट यूट्यूब से तलाश कर सकते हैं, गूगल से तलाश कर सकते हैं, और आपको कई वेबसाइट्स गूगल में मिल जाएंगी जहाँ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं चाइम्स साउंड इफ़ेक्ट। इसी तरह और भी बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप गूगल से, यूट्यूब से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं। तो आपको नाम पता होना चाहिए साउंड इफ़ेक्ट का, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि नाम कैसे पता हो। और आप साउंड सुन रहे हैं तो आपने इस ज़िंदगी में कभी उस साउंड इफ़ेक्ट को उसका नाम पढ़ा नहीं कहीं पे, आपने कलाम में बस सुना है, आपने सुना है तो ज़ाहिर है आपको नाम कैसे पता होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि नाम कैसे पता हो। अच्छा, इसका आसान तरीन तरीका ये है कि साउंड इफ़ेक्ट्स का एक बंडल आता है जिसमें हज़ारों साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साउंड इफ़ेक्ट के बंडल में हज़ारों साउंड इफ़ेक्ट्स की फाइल्स होती हैं, वेव फाइल्स या MP3 फाइल्स, ठीक है ना। तो आपको वो बंडल डाउनलोड करना है या कहीं से मंगवाना है, और उसमें जितनी भी साउंड्स हैं उन साउंड फाइल्स के नाम लिखे होते हैं, जैसे ये चाइम्स है, और इस तरह के रिवर्स सिंबल है, या टॉम्स हैं, या हेड्स हैं, या शेकर्स हैं, या डिफरेंट टाइप के राइजर्स होते हैं आमतौर से जो के कलाम में यूज़ होते हैं, फलां राइजर, रिवर्स राइजर, या फोर्स राइजर, डिफरेंट इस तरह के नाम होते हैं। तो आपको वो साउंड इफ़ेक्ट्स का बंडल डाउनलोड करना है, और उसको डाउनलोड और सर्च करने के लिए आप लिखेंगे SFX या फिर ऑडियो साउंड इफ़ेक्ट्स लिख के आप तलाश करेंगे, उसे डाउनलोड करेंगे, और जब वो डाउनलोड हो जाए तो उसमें हज़ारों फाइल्स होंगी, उन फाइल्स के नाम लिखे होंगे, एक एक को सुनते जाएं और नाम भी पढ़ते जाएं, और बार बार सुने, बार बार नाम पढ़ें और याद करने की कोशिश करें, ठीक है। इसी तरह आपको एक साउंड इफ़ेक्ट के डिफरेंट वर्जन्स भी हो सकता है ज़रूरत पड़े। अगर फ़र्ज़ करें कि किसी ने हाई राइजर लगाया हुआ है, तो आपको हाई राइजर में कोई डिफरेंट वर्जन चाहिए, तो उनके भी डिफरेंट नाम होते हैं। एटलीस्ट अगर आपको एक नाम भी पता है ना, तो आप उसे तलाश करेंगे तो आपको दूसरे वर्जन और दूसरे नामों के साउंड इफ़ेक्ट्स उसी कैटेगरी में मिलते जाएंगे। तो ये था बेहतरीन तरीका किसी भी साउंड इफ़ेक्ट को जब आप सुनते हैं किसी कलाम में यूट्यूब पर, और आप चाहते हैं कि वैसा साउंड इफ़ेक्ट आपको मिल जाए, तो आप साउंड इफ़ेक्ट का बंडल तलाश करके इस तरह जैसे मैंने बताया आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
वैसे मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बता देता हूँ। एक VST है बैटरी फोर जो है, उसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं, और इसी तरह और बहुत सारी कलेक्शंस हैं आपकी VSTs की जिसमें आपको साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे। मसलन स्टाइलस RMX के अंदर भी साउंड इफेक्ट्स की लाइब्रेरी आती है, और आप अगर आपके पास स्टाइलस RMX में वो लाइब्रेरी पहले से नहीं है तो आप कोई भी वेव फॉर्मेट में लाइब्रेरी डाउनलोड करके उसे स्टाइलस RMX के अंदर डाल सकते हैं, और फिर आप नेक्स्ट टाइम स्टाइलस के अंदर से ही वो फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है जनाब, आई होप के आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Melody Vision Studios.